मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजद सुप्रीमो लालू यादव का अपना अलग ही भौकाल है। लालू यादव कोई सेलिब्रिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बहुत से फैंस हैं, और फैंस भी ऐसे जो लालू यादव के लिए अजीब अजीब चीजें करते हैं। ऐसा ही लालू यादव का एक फैन चर्चा में आ गया है, जिसने तेजस्वी के लिए 17 साल से अपने बाल नहीं कटवाए हैं, और वो भी बता रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कब बनेंगे। चलिए आपको बताते हैं ये फैन कौन है और क्या कुछ कह रहा है। एक ओर बिहार में सीएम नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो वहीं दूसरी ओर तो पटना में राजभवन के पास आरजेडी के एक बुजुर्ग समर्थक बहुत खुश नजर आ रहे थे, और ये बुजुर्ग खुद को लालू यादव का जबरा फैन बता रहा है। नवभारत टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, हम हैं लालू सेना, हम आए हैं हाजीपुर से और हम लालू यादव के जबरा फैन हैं। बता दें ये व्यक्ति साइकिल से आया था और इसने अपनी साइकिल पर एक पोस्टर भी चिपका रखा था, जिस पर लिखा था, गरीबों की आन, भारत के महान राजद के शान, लालटेन की पहचान, लालू है तूफान, विश्व चर्चित नेता है महान, जिसको पुकार रहा है हिंदुस्तान। इसके आगे इस लालू यादव के फैन ने नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा, जब सवाल किया गया इस व्यक्ति से कि आपको क्या लगता है कि अब लालू जी के ऊपर ईडी का छापा पड़ेगा, इसके बाद ये व्यक्ति कहता है, दोबारा देना तब पता चलेगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। नरेंद्र मोदी कहे थे कि 15 लाख रुपया प्रत्येक गरीब के खाते में देंगे, ये घोटाला किया नरेंद्र मोदी ने। साथ साथ इस व्यक्ति ने दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि केजरीवाल केवल झूठ बोलता है और बीजेपी वाले भी झूठ बोलते हैं। आगे उन्होंने कहा, हमने तेजस्वी जी के लिए 17 साल से दाढ़ी बढ़ा रखी है और बाल भी नहीं कटवाए हैं हमने। आगे उन्होंने कहा कि 2 अगस्त क्रांति हुआ है आज तक, 1 अगस्त क्रांति गांधी जी चंपारण से किए थे और दूसरा अगस्त क्रांति हुआ है इस 10 तारीख को, जो नीतीश जी और तेजस्वी जी मिलके बिगुल ठोक दिए। आगे उनसे जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है अब अपराध कम होगा, तो उन्होंने कहा, हाँ पूरा अपराध कम होगा, नीतीश जी शराबबंदी किए और बीजेपी के ही मंत्री और विधायक शराब बेचवाए। आगे उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की कमान कब संभालेंगे, और कहा कि जब हम नीतीश जी को केंद्र में ले जाएंगे, प्रधानमंत्री पेश करेंगे, तो बिहार चलाने के लिए नीतीश जी को तेजस्वी यादव को देना ही पड़ेगा, मतलब कि जब नीतीश कुमार केंद्र में जाएंगे तब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के रेस में थे। तो कुछ इस तरह लालू के फैन ने सबको अपने लपेटे में ले लिया और सब पर निशाना भी साधा। फिलहाल लालू के इस फैन पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।